अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पहुंच चुके हैं भावलपुर, वो फैसलाबाद लैलपुर म्यूज़ियम में, और आपको आज लैलपुर म्यूज़ियम का थोड़ा सा विज़िट कराते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये चरगा पड़ा है यहाँ पर। ये द राइथम रुई दंगने वाला जो आला होता है पंजा वो है। उसके बाद हमारी पुरानी कढ़ाई के नमूने हैं कुछ, और ये कच्छा हुआ खाना बदोश की तिजारत के दौरान अलमारी में इस्तेमाल करते थे। उसके बाद खादी वुमेंस ओमन जो औरतें अपने हाथ से बुनती थी। उसके बाद ये हिस्ट्री थ्रू पोस्टेज स्टैम्प हैं, ये नीचे आप देख रहे हैं। मोहम्मद असगर मखदूमी ने अत्या किया इन सब को। उसके बाद रेडियो के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें प्रोजेक्टर है, फ्रीक्वेंसी चेकर है, रेडियो है, पुराने रेडियो हैं जिसे मिस्टर एंड मिसेस नासिर कपल ऑफ फैसलाबाद ने पेशकश किया, सैयद मेहदी शाह के इस्तेमाल की इशिया। उसके बाद हैं वली दवाखाना, हकीम हाजी हकीम हादिक वली मोहम्मद जुनूजा साहब ने किया था इसको। ये सब उनके मताबैक का बैरूनी मंजर है जब उनका हॉस्पिटल हुआ करता था जी। उसके बाद ये अरफा करीम के कुछ आसार वगैरह पड़े हैं। उसके बाद मिशन की कुछ कपड़े वगैरह पड़े हैं जिनके ऊपर ऑटोग्राफ भी हैं काफ़ी सारे, और ये इंस्ट्रूमेंट और दी अचीवमेंट्स जो अवार्ड हैं अरफा करीम के ज़रिए इस्तेमाल शुदा मेडल, सर्टिफिकेट्स, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ये सब अरफा करीम के ही हैं जिन्होंने ये सब इतनी छोटी सी उम्र में शोहरत हासिल कर ली थी। हर चीज़ ऑफ इंडिया डिपेंडेंस आज़ादी के मेहराबीन मेहराबें। और आपको बताता हूँ कुछ रिलीजन के, जिसमें सूफी बरकत अली, गोस्वामी गणेश दत्त, हज़रत हक सुल्तान बहू, गुरु नानक जी, डॉक्टर अब्दुल सलाम। उसके बाद हैं जी हैदर अली। उसके बाद हैं जी नवाब सादुल्ला खान, हकीम अलीमुद्दीन अल मारू, वज़ीर ख़ान, अरफा करीम, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, सर गंगा राम, कोतलिया चनकिया, भगत सिंह शहीद कैप्टन जिनके ऊपर विकी कौशल ने फिल्म भी बना रखी है, अहमद खान खरल शहीद, लाल भट्टी शहीद, विरो रेशल, और ये जो कुछ वेलफेयर हैं जो फैसलाबाद के हैं जैसे मुस्लिम हाई स्कूल, अलामा इकबाल लाइब्रेरी, रेलवे हॉस्पिटल, गवर्नमेंट म्यूनसिपल कॉलेज। मिल गई मैं जा रहा हूँ द टू डायमेंशंस। उसके बाद है जी द टूल्स ऑफ प्लानिंग, ड्राइंग की सीआई हो गई, हिसाब करने वाली मशीन लैमिनेटेड, द टूल्स ऑफ जजमेंट्स, और एंड में बहुत ही मेन चीज सिकंदर आजम। इस वक्त हम लालपुर म्यूज़ियम की 8वीं गैलरी में मौजूद हैं जो कि माशरती हुस्न गैलरी है। इस गैलरी में एक कॉर्नर जो है इस रीजन से ताल्लुक़ रखने वाली जो पर्सनैलिटीज़ हैं, एक इंटरनेशनल किस्म लेवल के पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके नाम हैं। लाइक आप अगर बच्चन फैमिली है उसके बारे में आपको बड़ी खुशगवार हैरत होगी कि जो अमिताभ बच्चन है उनकी वालदा तेजी बच्चन वो फैसलाबाद का जो अंदरून शहर है घंटाघर जो मरकज़ है इसके अतराफ़ के बाज़ारों में उनकी रिहाइश थी, यानी वो फैसलाबाद की उनकी दाइश थी। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि वो लाहौर, और कुछ का कहना कि पेशावर मूव हुए, उसके बाद पार्टीशन के बाद वो इंडिया चले गए। इसके साथ साथ दूसरा एक बड़ा नाम, एक कपूर फैमिली जो है पृथ्वी कपूर, उसका भी यही बताया जाता है कि फैसलाबाद की एक तहसील समुंदरी है वहाँ पे वो पैदा हुए थे और उनका तल्लुक भी यहाँ फैसलाबाद से है। मौजूद है जिसमें एक कॉर्नर अरफा करीम के नाम है, अरफा करीम फैसलाबाद का गाँव दो चक राम दुवाली वहाँ की। ये मोबाइल है इसको मैं रखती हूँ क्योंकि मेरे हर वीडियो में ना मोबाइल ही आ रहा होता है हाथ में।
जी बिल्कुल, इस वक्त हम म्यूज़ियम की 10वीं गैलरी में मौजूद है। इस गैलरी में एक पूरा कॉर्नर अरफा करीम के नाम है। अरफा करीम फैसलाबाद का एक नुमाही गांव है, दोचक रामद वाली, वहाँ पर पैदा हुई थी और 9 साल की उम्र में इन्होंने टेक्नोलॉजी के मैदान में झंडे गाड़े और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। तो इस वक्त हमारे पास जो 3 शोकेसेस यहाँ पर मौजूद है, इसमें अरफा करीम के पेरेंट्स ने उनकी बचपन से लेकर उनके मेडल्स, उनके यूनिफॉर्म, उनके पियानो, तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर दिखवाई हैं। ये कॉर्नर जो है हमारे लिए एक इंस्पिरेशन कॉर्नर है। जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, उनको अरफा करीम की कहानी सुनाई जाती है कि किस तरह से उन्होंने कम उम्र में ही एक बड़ा नाम कमाया, तो ये बचपन की उनकी चीज़ें हैं। जैसे कि वो देहात में पैदा हुई थी, तो देहात का कल्चर्स के हवाले से उनके पास जो खुस्से और परांदे हुआ करते थे, पियानो का शौक़ था, म्यूज़िक का शौक़ था, पियानो, उनकी यूनिफॉर्म, और इसके साथ साथ उनके जो सदारती अवार्ड्स और मेडल्स हैं वो भी हमने सारे यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। जब उनकी बिल गेट्स से मुलाकात हुई और बिल गेट्स ने उनको एक किताब गिफ्ट की, वो किताब भी हमारे पास मौजूद है। और अगर आप इस कर्टन में जी अगर हम इस कर्टन की तरफ जाएं, तो इस कर्टन में अरफा करीम की वफ़ात के बाद जो लोगों ने जज्बात का इजहार किया उसके लिए वो तमाम जो है इस पर दर्ज किए गए हैं। एक हॉर्स वाली ट्रेन है जो सर गंगा राम के दौर में चला करती थी फैसलाबाद के एक नवाई गांव में। ज़्यादातर ये ट्रेन का एक मोनूमेंट रखा गया ओल्ड डेस्टिनेशन में। ये फैसलाबाद में चलती थी ना, फैसलाबाद का नवाही गांव है, इसलिए मैं बोल रही। एक मिनट, ओके जी बिल्कुल, इस वक्त आप लालपुर म्यूज़ियम में एक हॉर्स ट्रेन का मॉडल देख सकते हैं। ओके, ये मेरा मोबाइल पकड़िएगा। ओके जी बिल्कुल, इस वक्त आप लालपुर म्यूज़ियम में एक हॉर्स ट्रेन का मॉडल देख सकते हैं। यह फैसलाबाद का एक गांव है जड़ा वाला, जिसका नवाही गांव है गंगाराम। वहां पे सर गंगाराम ने आज से कोई एक सदी पहले ये ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाई थी, जो गंगाराम से बुचियाना की तरफ कोई लगभग 2 किलोमीटर का सफ़र है जो तय किया करती थी। और लोग जो है बुचियाना से गंगाराम और गंगाराम से बुचियाना की तरफ इस हॉर्स ट्रेन के ज़रिए आया जाया करते थे। कुछ दहाइयों तक तो ये ट्रेन चली, लेकिन बाद में ये शिकस्तों रेखत का शिकार हो गई। लेकिन लालपुर म्यूज़ियम में इसका मॉडल रख कर इस हिस्ट्री को, इस तारीखी विरसे को हमेशा के लिए प्रिजर्व कर लिया गया है। लालपुर म्यूज़ियम फैसलाबाद में आपको वेलकम, खुशामदी, जी आयानो कहते हैं। 2012 में ये म्यूज़ियम बना, खुद तो ये सिर्फ 12 साल पुराना है, लेकिन ये सदियों पुरानी सकाफत को अपने अंदर समोए हुए है। इसमें 6वीं-7वीं कबल मसीह से लेकर और मौजूदा दौर तक की तारीख मौजूद है। बादज़ मसीह का ज़माना है वो हमने यहाँ पर दिखाया गया है। मुख्तलिफ ज़माने, मुख्तलिफ अदवार, मुख्तलिफ तहज़ीबें, मुख्तलिफ कल्चर इस म्यूज़ियम की 10 गैलरीज में आपको देखने को मिलेंगी। और म्यूज़ियम में शॉर्टकट मॉन्ड के कुछ मिट्टी के जो बर्तन वगैरह वहाँ से मिले थे वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ म्यूज़ियम में दरिया रावी के पानी से जो हमें मोती और घोंगे मिले थे वो भी यहाँ पे पड़े हुए हैं। और इसके अलावा म्यूज़ियम में जो है पुराने दौर की और भी बहुत ज़्यादा ऐसी सकाफत और चीज़ें पड़ी हैं कि जब आप यहाँ पर आएँगे, इन आर्टिफैक्ट्स को देखेंगे, तो आप उस दौर में वापस चले जाएँगे। विजिटर रेशो जी लालपुर म्यूज़ियम में हमारे पास फॉरेनर्स आते हैं, शहरी आते हैं, मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं। इतने साथ साथ इस वक्त जो सबसे ज़्यादा हमारे पास विजिटर टर्न ओवर रेशो है वो हमारे पास स्टूडेंट्स की है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि एक स्कूल टूर आया हुआ है, डेली 5 से 6 स्कूल टूर्स आजकल विज़िट कर रहे हैं। यानी इस वक्त म्यूज़ियम में खिड़की तोड़ रश लगा हुआ है, सैकड़ों की तादाद में विजिटर्स जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, आजकल म्यूज़ियम आ रहे हैं और इस अजायब घर की सैर कर रहे हैं। सिर्फ बच्चों का एक चौड़ लेके आपने जैसे बनवाना है ना के लिए आए हैं, तो यहाँ पे आके मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई है। और मुझे अरफा करीम जो है ना उसको लेकर बड़ी इंस्पिरेशन हुई है। उसने कम उम्र में ना बड़ा नाम कमाया था। बोल लो कितना। मैं लालपुर म्यूज़ियम में आ जा रही हूँ अपने स्टूडेंट्स फेलोज के साथ। मैं लालपुर म्यूज़ियम के अंदर म्यूज़ियम में आई हूँ अपने फेलोज के साथ। और यहाँ पर आके मैंने हिस्ट्री और कल्चर देखा और यहाँ पे आके मैंने हिस्ट्री और कल्चर देखा है। ये अब आपने बोलना है, ठीक है। और अरफा करीम कॉर्नर देखा, कॉइंस देखे हैं, बर्ड्स देखे हैं। यहाँ पे आके मैंने हिस्ट्री और कल्चर देखा, कॉइंस देखे, बर्ड्स देखे। चले, मैंने लाइक हिस्ट्री म्यूजियम में आई हूँ। मैंने यहाँ पर कॉइंस और बर्ड्स देखे हैं। मैं अपने
एक्साइटमेंट छोड़ मैं नहीं बोल सकती। ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, यहाँ के देखी हैं। और लाइक मैंने यहाँ पे अरफा करीम कॉर्नर देखा है कि उसने कम उम्र में इतना नाम कमाया, तो मुझे भी बड़ी इंस्पिरेशन हुई, मोटिवेशन हुई है कि मैं भी कुछ करूँ। चले हरिया, मैं म्यूज़ियम में आई हूँ। मैंने यहाँ के बहुत कुछ देखा है जो मैंने कभी भी पहले नहीं देखा था। यहाँ से बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और यहाँ पे अरफा करीम, यहाँ पे अरफा करीम नहीं। अब बताओ कि मैंने चरखा देखा है और इस तरह की चीज़ें देखी हैं। चलो यहीं से कंटिन्यू। यहाँ पे कुछ मैंने बर्ड्स देखे हैं, यहाँ पे मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। तो जी, इंडस सिविलाइजेशन में मौजूद हैं, जहाँ पे मिट्टी के बर्तन हैं, सिंध की तहजीब है, सिंध की तहजीब कदीम तरीक़ों से, जिसमें बहर अरब के जनूबी मगरबी इलाके, बलूचिस्तान और कोई हमले के पहाड़ हैं, जिनमें फैंसी मोती हैं, जेवरात हैं, लूडो के दाने हैं जिसमें पहले ज़माने में लूडो खेली जाती थी, ये ईंट के पत्थरों से बनाई जाती थी, मूर्तियाँ शेल जो अपनी अन डेंजर स्पीशीज़ हैं ये उनकी हैं, चर्च ब्लेड्स। इसके बाद आ जाते हैं गंधारा आर्ट्स और बुद्धिज़्म, जिसमें बुद्धा का सर रखा गया है, बुद्धा के एक रिलीफ पैनल अपने रावों के साथ जो मतलब अपन कम्युनिकेट करते थे उनसे, बुद्धा हेड एंड स्टैचू है, एक देवी जिसने बच्चों को उठाया हुआ है, बुद्धा के सर की डिज़ाइन की अंगूठियाँ जो कि एक मोनोमेंट्स में बनाई गई हैं। उसके बाद कमल का फूल है जी, पंखड़ियों वाला कमल का फूल बुद्ध मत और बुद्ध मत में एक मुकद्दस अलामत समझा जाता है, जिसमें अक्सर रोशन ख्याल और पाकिजगी की अलामत में इसे ज़्यादातर शुमार किया जाता है जी। लायलपुर म्यूज़ियम में एक कोइन का कॉर्नर है, जहाँ पे तकरीबन ओरिजिनल सिक्के रखे गए हैं, हिंदू शाही ता मुग़ल दौर के सिक्के भी इसमें मौजूद हैं, मौर्य ताक्षान दौर के सिक्के भी, बरतानवी दौर के सिक्के भी मौजूद हैं, पाकिस्तानी सिक्के। सबसे पहले आपको पाकिस्तानी कोइन्स दिखाते हैं, इसके बाद हिंदुस्तान शाही,